सुप्रभात बच्चों, कल हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन तीनों भेदों को हम विस्तार से जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं और भाववाचक किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में चाहे लवीना, रवीना, सोनिया गांधी, है ना, कोई भी हो सकता है। वस्तु में टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण, वस्तु में ये सारी चीज़ें आ जाती। स्थान में ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है, उदयपुर है, फतेह सागर है, ये सारे। फिर बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे बच्चा हो, जानवर हो, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर, ये शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जाति का बोध कराते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, ये शब्द जो है ये भाव, गुण, अवस्था, क्रिया का हमें बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे जिन शब्दों से किसी प्राणी या किसी वस्तु के गुण का, उसके स्वभाव का, उसकी अवस्था का जब हमें बोध होता है तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठाई कैसी होती है, उसमें मिठास होती है। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है, तो उसमें खटास होती है। तो इस प्रकार से ये सारी जो हमें जो भाव, जो अवस्था, जो दशा, जो बोध करवा रहे हैं शब्द, वो सब शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। हमारा मन खुश है, हमारा मन दुखी है, तो ये सारी क्या भाववाचक संज्ञाएँ हैं। धन्यवाद।